तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूँ सैमसंग गैलेक्सी में वन यू आई 5.0 का अपडेट आने के बाद सैमसंग कीबोर्ड में क्या नए चेंजेस किए गए, या फिर बोल सकते हैं क्या नए फीचर एड ऑन किए गए आफ्टर वन यू आई 5.0 अपडेट होने के बाद। तो आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। बताने वाला हूँ सैमसंग जो कीबोर्ड है उसमें क्या नए फीचर एड ऑन किए गए। तो मैं उसके लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ अपने व्हाट्सएप के अंदर। तो मैं आपको ले आया यहाँ पर अपने व्हाट्सएप पे। यहाँ पर जो सबसे पहला जो फीचर एड ऑन किया गया है वो है यहाँ पर इमोजीज को लेके। तो अगर आप यहाँ पर इमोजीज पे जाएंगे, इमोजीज पे जाने के बाद आपको ये जो ऑप्शन मिलता था पहले कि आप डुअल इमोजी बना सकते थे या फिर बोल सकते थे एक के ऊपर पेयर इमोजीज बना सकते थे, तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशन थी कि आप थोड़े से ही थे। अब यहाँ पर और सारे इमोजीज को एड ऑन कर दिया गया। अगर आप यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे तो आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर एड ऑन कर दिए गए। आपको यहाँ पर गेट मोर स्टिकर्स पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगे और आप उसको और अच्छे से यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं यूज कर सकते हैं। पहले जो कम थे अब उसको यहाँ पर ज्यादा कर दिया। आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आपको जिस हिसाब से क्रिएट करना हो आप अपने हिसाब से उसको क्रिएट कर सकते हैं। अपनी रियल एक्टिविटी आप बता सकते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, कैसा क्या है, आप आराम से उसको पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यही नया अपडेट था, सबसे पहला फीचर ये यहाँ पर एड ऑन किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड फीचर एड ऑन किया गया है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे जैसे इमोजेस के अंदर आपको बहुत सारे ये मिलते हैं, तो आप यहाँ से इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं कि कौन सा पहले रहे कौन सा बाद में रहे। जैसे यहाँ पर है, आपको इसको पहले करना है तो आपको इसको पहले कर लीजिए, इसको बाद में करना है तो उसको बाद में, मतलब आप आराम से उसको रीअरेंज कर सकते हैं। सेकंड फीचर ये दिया गया है। उसके बाद थर्ड फीचर ये दिया गया है दोस्तों, आज से पहले जब एंड्रॉयड नहीं आया था या बोल सकते हैं नॉर्मल कीबोर्ड कीबोर्ड वाले हैंडसेट चलते थे, जब हमें किसी को कोई इमोजेस भेजना रहता था तो हम ऐसे सैम्बल से बना के इमोजेस बनाते थे, तो अब सैमसंग में भी एक ऐसा ही फीचर रोल आउट कर दिया गया है। आप यहाँ पर किसी को नॉर्मल ऐसे मतलब सैम्बल से बने हुए आप वहां पर स्माइली भेज सकते हैं। कैसे, यहां पर जाएंगे, यहां जाने के बाद आपको एक नया फीचर मिलेगा यहां पर, ये स्माइली बना हुआ। तो यहां पर जैसे कि मान लो आप यहां पर इतने सारे आपको मिल जाएंगे, जैसा आपको चाहिए बनाने वाला आप यहां पर नीचे जाएंगे, आपको बने बनाए मिल जाएंगे, जो भेजना है आप यहां पर इजीली भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे बने हुए हैं यहां पर, थोड़े यूनिक से आप ये देखेंगे ऐसा बना हुआ, अगर मैं भेजूंगा तो ये ऐसा यहाँ पर जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं अलग अलग यहाँ पर ऐसे यहाँ ऐसे बने हुए हैं, तो अपने हिसाब से यहाँ पर देख के इसको भेज सकते हैं। तो यह यहाँ पर थर्ड फीचर दिया गया जो कि मुझे तो लगा यार बहुत यूनिक चीज़ है ये, वैसे किसी कीबोर्ड में मुझे नहीं मिली अभी तक, ये सैमसंग कीबोर्ड में अभी फाइनली रोल आउट कर दिया गया। आप देखेंगे जैसे कि ये कितना शानदार लग रहा है, आप देख रहे होंगे ये नया फीचर यहाँ पर रोल आउट किया गया। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट कीवर्ड में चेंजेस किया गया है वो ये है, लास्ट फीचर ये है दोस्तों, आप ये जो बगल में यहाँ पर जैसे देखते हैं कॉमा और ये डॉट्स बना, आप इसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि पहले ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके इसको रिप्लेस कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर जैसे एडर रेट चाहिए तो आप एडर रेट डाल लो, यहाँ पर आपको और कुछ चाहिए तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर चेंजेस था। एक चीज और बताने वाला हूँ, लास्ट जो फीचर मुझे लगा काम का है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको एक लास्ट ऑप्शन मिलेगा सेव स्क्रीनशॉट टू क्लिपबोर्ड। ये ऑप्शन मुझे लगता है बहुत काम का है, क्योंकि सैमसंग ने जो नाइस शॉट वाली ऐप थी उसमें से वहां पर ये ऑप्शन हटा दिया था कि आप वहां पर स्क्रीनशॉट को सेव नहीं करना चाहते थे, बट अब यहां अगर आपको स्क्रीनशॉट सेव करना है अपने क्लिपबोर्ड में तो आप यहां पर इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो यही नया अपडेट था, या बोल सकते हैं यही नए फीचर था जो कि सैमसंग कीबोर्ड में ऐड किए गए आफ्टर वन यू आई 5.0 जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरे कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम या फेसबुक पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दो, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।